गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 7. सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द टीथ एंड स्माइल, दैट व्हाई डू वी नीड टीथ, ओके, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द टीथ. सो स्टूडेंट्स, हमने जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमारे 7 चैप्टर का टीथ का इम्पॉर्टेंस पढ़ा था, एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ द टीथ. टुडे वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ द टीथ, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ द टीथ, वी विल डू एन एक्टिविटी विच इज 7.3, विच इज 7.3. क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ योर बिग वाइड स्माइल. राइट 4 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर टीथ. आपको क्या करना है, आपको अपनी आईज को क्लोज करना है और फिर आपको वाइड स्माइल के बारे में सोचना है. देन जैसे ही आप वाइड स्माइल के बारे में सोचेंगे तो आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते ही क्या होगा, 4 एडजेक्टिव्स आएंगे. जब हम वाइड स्माइल के बारे में सोचते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वाओ His or her smile very gentle, lovely, इस तरह के आप करते हैं ना adjectives use. तो इस तरह के adjectives आप यहाँ भी write करेंगे. पहले आप अपनी eyes close करेंगे, then wide smile के बारे में आप सोचेंगे, तब आपके mind में 4 adjectives आएंगे, तो वो adjectives आपको यहाँ write करना है. Okay, after this discuss your response in class. Did others the same adjectives? अब ये जो क्वेश्चन है हम करेंगे डाउट क्लास. कब करेंगे ये, हम डाउट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि हमें हमारा जो रिस्पॉन्स आया है वो क्लास में क्या करना है, शेयर करना है और देखना है कि जो एडजेक्टिव्स हमने यूज़ किए हैं क्या वही एडजेक्टिव्स सामने वाले स्टूडेंट ने भी यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन द डाउट क्लास. जब भी मैं डाउट क्लास लूँगी तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँगी. थर्ड क्वेश्चन इज राइट 3 अदर वर्ड्स यूज्ड बाय योर क्लासमेट. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमें डाउट क्लास से ही मिलेगा. जो 3 वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं वो देखना है कि क्या वही वर्ड्स क्लासमेट्स ने भी यूज़ किए हैं या नहीं. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो द शेप ऑफ द साइज सॉरी द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ मै डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हमें ये पता है कि टीथ का जो साइज़ और शेप होता है एक टीथ से दूसरे टीथ से अलग होता है. यानी जो टीथ की बात कर रही हूँ बेटा, इवन फॉर द सेम पर्सन ऑल द टीथ डोंट लुक द सेम. अलग अलग साइज और शेप होता है ना टीथ का, टीथ के टाइप्स भी होते हैं और अलग अलग पर्सन में भी क्या होता है, टीथ के साइजेस और शेप्स अलग अलग होते हैं. हैव यू एवर कंपेयर्ड योर फ्रंट टीथ विद योर बैक टीथ. क्या आप अपने फ्रंट टीथ को बैक टीथ से कंपेयर कर सकते हैं. देखें, ऑल द टीथ डोंट लुक द सेम. हमें पता है ये बात कि हर जो टीथ है उसका शेप और साइज अलग होता है. सो टाइप्स ऑफ द टीथ, और फ्रंट एंड बैक टीथ आर डिफरेंट इन शेप. एज वी नो, हमारे जो फ्रंट टीथ हैं और जो बैक टीथ हैं एक दूसरे से शेप में डिफरेंट डिफरेंट है. वाइल द फ्रंट टीथ आर थिन एंड शार्प. हमने देखा कि जो फ्रंट टीथ हैं वो क्या हैं, फ्रंट टीथ थिन है एंड शार्प है, एंड जो बैक टीथ हैं द बैक टीथ आर वाइडर एंड हैव फ्लैट ब्रॉड सर्फेसेस. जो बैक टीथ हैं लोअर जॉ में वो क्या हैं, वो कैसे हैं, वाइडर हैं, चौड़े हैं, फ्लैट हैं, और उनका जो सरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. उनका सरफेस ब्रॉड क्यों है, वो ब्रॉड क्यों है, क्योंकि उससे हम च्युइंग करते हैं. वो टीथ हमारे कैसे काम में आते हैं, च्युइंग के काम में आते हैं, चबाने के काम में आते हैं, च्यू करने के काम आते हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. ईच टाइप हैज़ अ शेप दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन व्हाइल च्युइंग फूड. तो हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ हैं. हर तरह के का जो टीथ है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और उसका जो वर्क है वो भी अलग अलग वो परफॉर्म करता है जब हम खाने को चबाते हैं, जब हम फूड को च्यू करते हैं. सो
द फोर टाइप्स ऑफ टीथ दिट आर फाउंड इन अपर एंड लोअर जॉज आर शोन इन फिगर वन. तो देखें हम जॉज मीन्स क्या होता है, जबड़े. तो देखें अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे टीथ की. देखें बहुत ध्यान से देखिएगा आप ये अपर जो एंड लोअर जो. अपर जो जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जबड़ा है उसके टीथ हैं यहाँ, और लोअर जो जो नीचे वाला जो है उसके टीथ हैं यहाँ. ठीक है, देखिए अब अपर जो में ये जो टू टीथ है ना, ये क्या है, ये है इंसीजर्स. क्या है ये, इंसीजर्स. जो टू टीथ हैं जहाँ मैंने इंडिकेट किया है वो क्या है, वो है इंसीजर्स. इसका कितना नंबर है, इसका पोजिशन, बस आप यहाँ पोजिशन देख लीजिए. इसका फंक्शन और इसका नंबर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम यहाँ इसकी पोजिशन देखेंगे. उसका जो नंबर है और वो हम नंबर और फंक्शन बाद में देखेंगे, पोजिशन देख लो बस आप. तो देखें आप ये हैं इंसीजर. ओके, ये वाले टीथ जो है वो है केनाइन. फ्रंट टीथ में देखिए इंसीजर और केनाइन है, और जो बैक टीथ हैं वो है प्रीमोलर्स और मोलर्स. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फोर टाइप्स के जो टीथ हैं वो है इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. जो इंसीजर है और केनाइन है वो फ्रंट टीथ हैं, वो ये है और केनाइन ये है. अगर बैक टीथ की बात कर रहे हैं तो ये दोनों प्रीमोलर्स हैं और ये दोनों मोलर्स हैं. ये कहाँ है, ये अपर जॉ में है. अब हम आते हैं लोअर जॉ में. तो देखिए लोअर जॉ में ये जो लोअर जॉ की बात कर रहे हैं तो ये जो थ्री टीथ हैं, कौन से वाले, देखें ये और ये क्या है, मॉलर्स हैं. जो कि मॉलर्स काय में आते हैं, मॉलर्स और प्री मॉलर्स बैक टीथ में आते हैं, और इंसिजर्स और कनाइन फ्रंट टीथ में आते हैं. तो ये बैक टीथ है, बैक टीथ में मॉलर्स हैं. ये थ्री जो टीथ मैंने इंडिकेट करा है, और ये प्री मॉलर्स हैं. ठीक है, ये बैक टीथ हो गए. उसके बाद देखिए फ्रंट टीथ की बात करते हैं, तो फ्रंट टीथ में ये वाला जो टीथ है वो है केनाइन, और ये वाले जो टीथ हैं ये हैं इंसीजर्स. तो यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ हमने सिर्फ पोजीशन देखा है, यहाँ हमने सिर्फ टीथ का पोजीशन देखा है. यहाँ हम टाइप्स देख रहे हैं और पोजीशन देख रहे हैं, नंबर नहीं देख रहे हैं, फंक्शन नहीं देख रहे हैं. यहाँ आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पोजीशन देखेंगे कि हमारा कौन सा अपर जो है, कौन सा लोअर जो है, कौन सा टीथ जो है वो फ्रंट है, कौन सा बैक टीथ है. फ्रंट टीथ में इंसिजर्स केनाइन है, बैक टीथ में प्रीमोलर्स एंड मोलर्स है, एंड लोअर जो में इसके अपोजिट होता है, जो बैक टीथ होता है वो मोलर्स प्रीमोलर्स यहाँ की ओर होता है, और फ्रंट टीथ में केनाइन और इंसिजर होता है. सो इस फ्रेंड्स आप ही देख लें, आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.